हेलो एवरीवन, मैं वर्षा नाथानी, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वर्षा नाथानी। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट जो कि मेरे पास है, जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ करती हूँ। इनका मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में होते हैं, बट इसमें से कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इतना ज़्यादा वर्थ नहीं है, या कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि प्राइस वाइज मतलब अफोर्डेबल है, बट उनकी अगर क्वालिटी वाइज देखी जाए तो वो इतने कोई खास नहीं है। तो इनका जो मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मतलब स्विस ब्यूटी के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, क्योंकि अफोर्डेबल होते हैं। अगर आप बिगनर हैं मेकअप में तो आपके लिए बेस्ट है स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स। बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने बोला कि इतने वर्थ नहीं है, तो उनका आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ। एंड जितने भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जिनका भी मैं आज रिव्यू करूँगी, वो सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अंडर 300 रुपीज़ के हैं। जी हाँ, अंडर 300 रुपीज़ के हैं, तो मुझे लगता है कि प्राइस वाइज काफ़ी सही है स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट्स। तो चलिए आज इनका रिव्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट आपको मिलता है, आपको देखने को मिलता रहेगा मेरे चैनल पर टाइम टू टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हम लोग बात करेंगे कंसीलर की। जी हाँ, ये है स्विस ब्यूटी का कंसीलर जो कि है 159 रुपीज़, जैसे कि मैंने बोला अंडर 300। तो ये मैंने अभी नया ही मंगवाया, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला था वो खत्म हो गया था, बट मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है कंसीलर, अगर अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी सही है 159 रुपीज़ का। इसका मैं लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहां से परचेस कर सकते हैं, वरना आपको मार्केट में भी इजीली मिल जाएगा, या कहीं से भी किसी भी ऑनलाइन ऐप पे आपको आराम से मिल जाएगा। ये इस तरीके से पैकिंग है, 159 रुपीज़ का कंसीलर है। इसमें जो मेरा शेड है वो है सैंड सेबल 02। ये काफ़ी अच्छा कंसीलर है, काफ़ी ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं है, बट ओवरऑल अगर प्राइस की वाइज बात की जाए तो काफ़ी सही है, एंड क्वालिटी वाइज भी काफ़ी सही है। मैं इसलिए पहले इसको बता दे रही, क्योंकि मेरा सेकेंड प्रोडक्ट है, सेकेंड टाइम परचेज है, तो काफ़ी अच्छा मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। अगर इसकी बात करें इसकी कंसीलर की, तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी आपका जो बेस है इसको यूज़ करने के बाद बिल्कुल भी थिक नहीं रहेगा, एंड काफ़ी अच्छा है, अच्छे से कवरेज दे देता है आपके फेस पे, काफ़ी अच्छा बेस बना देता है। एंड अगर आप लोग हैवी बेस नहीं करना चाहते हैं, तो आप बिना फाउंडेशन के सिर्फ एक कंसीलर अप्लाई करके ही काफ़ी अच्छे से इसका बेस, लाइट बेस बना के आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका इस तरीके से टेक्सचर है, यानी काफ़ी ज़्यादा जल्दी ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन पर। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर अगर आपके पास नहीं है या आपके पास ब्रश नहीं है, तो आप फिंगर की हेल्प से भी काफ़ी अच्छे से इसको ब्लेंड कर देते हैं। देखिए, सिर्फ 2 से 3 बार मैंने इसको इस तरीके से किया, तो काफ़ी अच्छा ये लुक दे देता है, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक दे देता है ये, एंड काफ़ी अच्छा ये जल्दी मिक्स हो जाता है, एंड काफ़ी अच्छी कवरेज भी दे देता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा वर्थ है ये 159 रुपीज़ में, प्राइस वाइज तो वर्थ है, बट इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है, एंड डेफिनेटली वर्थ है। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है ये बनाना पाउडर, जो कि ट्रांसलूसेंट बनाना पाउडर है, जो कि है स्विस ब्यूटी का। ये मुझे पड़ा था 300 रुपीज़, ये मुझे पड़ा था 300 रुपीज़ का, एंड मुझे इतना ज़्यादा ये ठीक नहीं लगा, क्योंकि पता नहीं क्यों, पर मुझे ये सही नहीं लगा। अगर इसका हम लोग, मेरा जो इसमें बनाना पाउडर है, ये ट्रांसपेरेंट जो व्हाइटिश पाउडर होता है ना, ट्रांसलूसेंट पाउडर, वो नहीं है, ये बनाना पाउडर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, हालांकि मुझे मालूम है कि बनाना पाउडर बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म में होता है, बट इसका ये जो पैकिंग है ना, वो मुझे थोड़ी कहीं ना कहीं दिक्कत कर गई, क्योंकि अगर इसको हम लोग खोलेंगे ना, तो ये इसका कुशन है जिसे हम लोग अप्लाई करते हैं, बट इसके नीचे मैंने और ब्रांड्स के जो मैंने देखे ना पाउडर, उसमें एक एक लेयर होती है प्लास्टिक की, जिसमें नेट नेट होता है, इसमें वो चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कुशन हटाया, ये आ गया, देन इसके बाद डायरेक्ट ऐसे ये पाउडर है, जो कि जब भी आप खोलोगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा देखो इस तरीके से ये जो पाउडर है वो वैसे ही वेस्ट हो जाता है। तो मुझे ऐसा इसकी पैकिंग के वाइज मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, एंड मुझे इतना कोई वर्थ नहीं लगा 300 रुपीज़ में। अगर आप लोग इस बनाना पाउडर में या इस तरीके से जो पाउडर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आप दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये इतना मुझे वर्थ नहीं लगा। मेन जो मुझे सही नहीं लगा वो है इसकी पैकिंग, मगर अगर आप यूज़ करने पे अगर यूज़ करने की बात करते हैं, तो ये ओवरऑल ठीक ही है, इतना ज़्यादा काफ़ी अच्छा भी नहीं है, बट ठीक है, बट 300 रुपीज़ तो ठीक ही है, बट मुझे इसकी पैकिंग बिल्कुल ही बेकार लगी, क्योंकि इसको खोलने में ही आधा मेरा पाउडर, देखिए
आता तो मेरे हाथ पे ही आ जाता है ये पाउडर, मतलब काफी ज्यादा वेस्ट हो जाता है इसको खोलने में ही मेरा पाउडर। वैसे मैंने और ब्रांड्स के देखे हैं, उसमें बीच में एक लेयर होती है जिसमें क्यों ना एक तरीके से मतलब डॉट डॉट करके छेद होता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। सीधा आप खोलेंगे तो आपको सीधा ये ऐसे पैक मिलेगा, एंड अंदर से जब आप खोलेंगे तो पाउडर काफी ज्यादा वेस्ट ही हो जाता है देखिए इस तरीके से। तो मुझे इतना ज्यादा वर्थ नहीं लगा, क्योंकि जितनी बार मैं खोलूंगी उतनी बार तो मेरा पाउडर जितना ज्यादा वेस्ट ही हो जाता है, लगाना तो बाद में पहले तो वेस्ट होता है, तो मुझे इतना ज़्यादा वर्थ नहीं लगा ये। थर्ड जो प्रोडक्ट है वो है इस तरीके से ये आई शेडो पैलेट, जो कि है 242 रुपीज़, जो जैसे कि मैंने बोला 200-300 रुपीज़ के अंदर है ये। इस तरीके से ये आई शेडो पैलेट्स है, ये बिगनर्स के लिए काफ़ी सही है एंड इसका पिगमेंट भी काफ़ी अच्छा है। इसमें ये 242 रुपीज़ की पर है, ऐसा नहीं है कि ये दोनों जो है वो 240 रुपीज़ की है, ओनली वन जो है पैलेट वो है 242 रुपीज़ की। एंड इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा यू नो इस तरीके से कंट्रास्ट के कलर ऑप्शन मिल जाए, एक ये है ये एक ये है। अगर इसके पिगमेंट की बात की जाए तो काफी अच्छा है, अगर आप बिगनर है तो काफी अच्छा है आपके लिए। एंड आपके यू नो 3, 4, 6, 9 इसमें आपको 9 शेड्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ये जो मतलब पैलेट है ये स्पेशली मतलब स्मोकी आईज हो गया, यू नो थोड़ा आपको डार्क लुक करना उसके लिए है। एंड इसमें आपको काफ़ी सारे कलर्स मिल जाएंगे, जो कि है ये रेड, मैरून एंड यू नो येलो करके। बाकी इसका पिगमेंट की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। 242 रुपीज़ की जो पैलेट है वो एक है, मैंने पहले आपको बोला पर मैं फिर से बोलूँगी, ये ओनली वन जो पैलेट है वो है 242 रुपीज़ की, एंड ये 242 की अलग क्या है ये पैलेट। इसका पिगमेंट काफी अच्छा है, बिगनर्स के लिए काफी सही है, अगर आप लोग बिगनर है तो काफी सही है। इसका पिगमेंट देखिए काफी अच्छा है, इसका पिगमेंट है एंड काफी अच्छा है, एंड ये काफी लंबा चल जाएगी अगर आप बिगनर है तो। बाकी काफ़ी अच्छा इसका है एंड ये 242 रुपीज़ की अकॉर्डिंग प्राइस भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। एंड हाँ, शेड्स भी आपको आराम से 9 शेड्स मिल जाते हैं आपको एक पैलेट में, एंड काफ़ी सारे यू नो आपको इस तरीके से पैलेट्स के कलर्स मिल जाएंगे, आप जो भी चूज़ करना चाहते हैं आप वो चूज़ कर सकते हैं। बाकी हाँ, ये प्रोडक्ट ये जो प्रोडक्ट है वो वर्थ है। देन फोर्थ जो प्रोडक्ट है वो है इस तरीके से स्विस ब्यूटी का टिंट, जो कि लिप एंड चिक टिंट है। ये 189 रुपीज़ का, जैसे कि 300 रुपीज़ के अंदर ही हुआ, एंड ये काफ़ी अच्छा है। इसमें जो मेरा शेड है वो है रोज एप्पल, ये मेरा अभी रिसेंट परचेज है, मेरे पास पहले नहीं था। मैं पहले ऐसे क्या करती थी, पहले लिपस्टिक होती ना उसको हल्का सा ऐसे लगा देती थी एंड यू नो उसको ब्रश के तौर पर यूज़ कर लेती थी, बट अब मुझे लगा कि एक मेरे पास ऐसा होना चाहिए, तो मेरा अभी ये रिसेंट परचेज है। इसमें ये क्रीम टिंट करके है, रोज एप्पल इसका शेड है, काफ़ी अच्छा है, इसका क्रीमी टेक्सचर है, काफ़ी अच्छा ये पिगमेंट दे रहता है एंड काफ़ी अच्छा लुक भी देता है। इसमें आपको और भी कलर्स मिल जाएंगे। 189 रुपीज़ का काफ़ी वर्थ है प्राइस के हिसाब से, एंड अफोर्डेबल है एंड इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। इस तरीके से देखिए कितना अच्छा ये दे रहता है, कलर आपको और मिल जाएंगे। ये आप लिप्स पे भी लगा सकते हैं, आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं आई शेडो के फॉर्म में, या यू नो ब्लश के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये 189 रुपीज़ का। ये आपको लगती है छोटू सा डिब्बे है, बट इसमें काफ़ी आपका आ जाता है एंड इतना आपका यू नो जल्दी ये यूज़ होने वाला नहीं, क्योंकि क्रीमिश है तो काफ़ी अच्छा ये दे देता है एकदम से। एक इंस्टेंट अगर आप कहीं जा रहे हैं, आपके पास तैयारों का टाइम नहीं है, तो आप एक ये छोटी सी इसको ही आप कैरी कर लीजिए अपने पर्स में, इसको आप एज एन लिपस्टिक यूज़ कर लीजिए, ब्लश यूज़ कर लीजिए, आई शेडो यूज़ कर लीजिए, एक काजल लगा लीजिए एंड इंस्टेंट आप रेडी हो सकते हैं। 189 रुपीज़ का वर्थ है ये। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है स्विस ब्यूटी का लिप एंड टिंट इन पाउडर फॉर्म में। ये मुझे इतना कोई खास नहीं लगा, ये मेरा पहले का है बट मैंने इसको इतना यूज़ नहीं किया क्योंकि मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। इसका पिगमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसका भी आपको ये आराम से 250 रुपीज़ का आपको आराम से मिल जाएगा, बट ये बिल्कुल भी मतलब वर्थ नहीं है क्योंकि ये पिंक कलर है इसमें, बट इसका जो शेड है वो है टिंट ऑफ पिंक, बट इतना कोई वर्थ नहीं है। इसको पहले बार तो यहाँ पे ये जो पाउडर है ना ये सस्पेंस से आता ही नहीं है, आप कितना भी यूज़ कर लो आता ही नहीं है। अगर आता भी है ना तो वो बहुत ज़्यादा आ जाता है कि बहुत ज़्यादा शिमर हो जाता है, यू नो मतलब इसको डायरेक्ट आप अपने फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते जब आप कहीं जा रहे हो, बट इसमें बहुत ज़्यादा शिमर भी है, तो मुझे शिमर ये पार्टी वेयर के हिसाब से सही है, बट अगर आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हो तो इतना कोई खास अच्छा नहीं है। बट इसमें मेन जो पिंक कलर है ना वो नहीं आता, ये शिमर आ जाता है नो डाउट। बाकी अगर आप ब्लश के ऊपर इसको अप्लाई करो, ताकि थोड़ा यू नो आप हाइलाइटर यूज़ नहीं करो, डायरेक्ट आप ब्लश लगाओ इसको ऊपर से लगाओ तो काफ़ी अच्छा दे देता है, बट इसमें जो पिंक कलर है वो बिल्कुल ज़्यादा सिर्फ एक शिमर ही आएगा, तो मुझे लगता है ये वेस्ट ऑफ मनी है। 250 रुपीज़ बिल्कुल वेस्ट है, बट हाँ मैं इसको हाइलाइटर के तौर पे यूज़ कर लेती हूँ एंड ये काफ़ी पुराना है,
कोई नया नहीं है इसकी, मेरे ख्याल से अब तो न्यू पैकेजिंग भी आने लग गई होगी, बट ये बिल्कुल टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हाईलाइटर पैलेट जो कि है 247 रुपीज़। ये काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको काफ़ी सारे शेड मिल जाएंगे हाईलाइटर के। ये 247 रुपीज़ का काफ़ी अच्छा है, बिगनर के लिए काफ़ी अच्छा है। इसका पिगमेंट काफ़ी अच्छा है, इस तरीके से इसके शेड्स है, कॉपर मिल जाएगा, रोज गोल्ड भी मिल जाएगा, थोड़ा यू नो गोल्डन भी मिल जाएगा अगर आप बिगनर है, बहुत अच्छा है। और इसका पिगमेंट भी काफ़ी अच्छा है, ये मेरी काफ़ी पहले की ली हुई है बट ये अभी तक चल रही है, बहुत अच्छा है ये। पाउडर फॉर्म में बहुत अच्छा है बट हाँ, मुझे पता नहीं क्यों जो हाइलाइटर होता है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट आजकल जो स्ट्रोक क्रीम आ गई है वो भी आज दिन हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रोक क्रीम ही सही लगती है। अब पहले तो मैं ये यूज़ ही कर लेती थी बट अब मुझे पता नहीं क्यों स्ट्रोक क्रीम ही सही लगती है एज दिन हाइलाइटर यूज़ करने में, बट 247 रुपीज़ का वर्थ है। आप इसको बहुत लंबा यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगनर हैं, अगर आप मेकअप सीख रहे हैं, बहुत अच्छा है। 247 स्टार्टिंग में जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना मेकअप सीखने में या अपने ऊपर घर में ही हम लोग मेकअप करने के लिए हम लोग थोड़ा प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उनके लिए काफ़ी सही है। स्विस ब्यूटी का है ये अगेन एंड 247 रुपीज़ काफ़ी वर्थ है। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो कि है 125 रुपीज़ का। ये मुझे बिल्कुल भी वर्थ नहीं लगा क्योंकि इसमें जो ये ब्लेंडिंग ब्रश है ना, ब्लेंडिंग ब्रश भी नहीं है पहली बात तो, इसमें लिखा हुआ है कि ब्लेंडिंग के लिए भी यूज़ हो सकता है बट ये आई शेडो एप्लीकेटिव ब्रश है। अगर आप एप्लीकेट मतलब करना चाहते हैं, अपने आईज़ पर लगाना चाहते हैं तो ये उसका ब्रश है, बट बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। मुझे मेनली चाहिए था आई शेडो ब्लेंडिंग ब्रश जो कि यू नो एक राउंड फॉर्म में होता है एंड थोड़ा उसका जो, क्योंकि उससे काफ़ी अच्छा मतलब ब्लेंड हो जाता है हमारा आई शेडो, बट ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा क्योंकि इसका जो टिप है वो फ्लैट है एंड मेरे को ऐसा फ्लैट टिप नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ से राउंड चाहिए था। तो अभी ये मैंने रिसेंटली परचेस किया है, कल परसों बट मैं इसको वापस करने वाली हूँ, तो मुझे इतना कोई खास नहीं लगा क्योंकि मेनली, और मैंने ये बात देखी भी स्विस ब्यूटी के जितने भी ये ब्रशेज हैं मेकअप ब्रशेज, उसमें आपको ये राउंड टिप नहीं मिलेगी, आपको ये आगे से फ्लैट ही मिलेगा, बट मुझे ये राउंड टिप चाहिए थी तो मुझे इतना कोई खास नहीं लगा। मैं इसको डेफिनेटली वापस करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 2 हैं फ्लैट ब्रश, तो मैं इसको वापस करने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट है वो है लिप ग्लॉस जो कि है स्विस ब्यूटी का। ये है, ये आपको 200 रुपीज़ का मिल जाएगा, जैसे कि 300 हो गया। ये पिंक कलर में है, ये भी मैंने अभी ही मतलब समझो कल ही परसों मैंने इसको मंगवाया है एंड ये काफ़ी अच्छा दे देता है, ट्रांसपेरेंट इसका है, ट्रांसपेरेंट इसका लुक दे लुक है एंड काफ़ी अच्छा है ये एंड थोड़ा शिमर भी है। अगर ये आपको डायरेक्ट मतलब किसी भी लिपस्टिक के ऊपर आप लगाएंगे काफ़ी अच्छा लुक दे देता है, थोड़ा शिमर है एंड थोड़ा यू नो ग्लिट शिमर तो है ही एंड थोड़ा मतलब काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, आपकी जो लिप्स हैं उनको काफ़ी अच्छे से डिफाइन करेगा, उनकी शेप उनको प्लम दिखाएगा, तो मुझे लगता है काफ़ी सही है। 200 रुपीज़ का ये लिप ग्लॉस है, काफ़ी सही है। सो ये थे कुछ प्रोडक्ट जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए, इनका रिव्यू अकॉर्डिंग टू प्राइस अकॉर्डिंग टू क्वालिटी इन सब का मैंने रिव्यू किया। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, तो चलिए तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।